हेडिंग लिखो कैलोमेल इलेक्ट्रोड, पहला पॉइंट लिखना कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज ए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज ए कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज ए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। नीचे लिखना कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट लिखना कैलोमेल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब, कैलोमेल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ ग्लास ट्यूब प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड विथ ए साइड ट्यूब विथ ए साइड ट्यूब एंड बेंट साइड ट्यूब एंड बेंट साइड ट्यूब। सेकेंड पॉइंट लिखना दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ, दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ लिटिल मर्क्यूरी, दिस ग्लास इज दिस ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विथ लिटिल मर्क्यूरी एंड देन पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड एंड सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। And saturated solution of potassium chloride at the top. कल के पेपर में डाउट नहीं है ना, तुम लोगों के पेपर में डाउट है इतना? अवस्थी से भी आया था है? अवस्थी लेवल थ्री आया था सारा, मैं क्या बोला, मैं बोला लेवल थ्री कर लो, क्या बोला लेवल थ्री नहीं आएगा, मैं कहा बोला था लेवल थ्री नहीं। अरे तुम लोगों को नहीं बोला होगा, तुम लोग पता नहीं क्या सुन ले, मैं क्या बोला था लेवल थ्री का नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना, मैं ये बोला था कि लेवल थ्री के क्वेश्चन अच्छे अच्छे डिस्कस करेंगे हम, ए प्लैटिनम वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब, ए प्लैटिनम वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब A platinum wire sealed in a glass tube is inserted। तुम तो इतना ईमानदार तो हो ना, घर पे बैठे हो, वॉल्यूम निकालते होगे, वॉल्यूम निकालते ना,
एक क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन ढूंढने बैठते होंगे कहाँ पर है ये। हाँ A platinum wire insert in a glass tube is inserted in a mercury that provide electrical contact. Insert in the mercury that provide electrical contact. Next point likhna. This electrode is connected. This electrode is connected to the other electrode. To the other electrode through the bent, through the bent tube. To make a complete cell. डायग्राम निकाल लो। क्या ग्लास ट्यूब, ग्लास कैलोमेल इलेक्ट्रोड ग्लास ट्यूब का बना होता है, बेंट सेप, इधर ये बेंट सेप है। यही इसमें खास बात यह है कि इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करना पड़ता, यही सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। यहाँ पर प्लैटिनम का वायर लिया जाता है कनेक्टिविटी करने के लिए। ये सैचुरेटेड केसीएल का सॉल्यूशन है और ये पेस्ट मर्क्यूरी और मर्क्यूरस क्लोराइड लिया जाता है और यहाँ मर्क्यूरी है। अब इसका जो रिएक्शन था कैथोड पे Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो ये रिएक्शन देगा, जब ये एनोड की तरह काम करेगा तो ये Hg2Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन
रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। और ये जो सॉल्यूशन है 0.1 मोलर अगर केसीएल है तो ये वोल्टेज देगा 0.337 वोल्ट, इसका जीरो नहीं होता है। अगर 1 मोलर केसीएल है तो इसका वोल्टेज होगा 0.280 वोल्ट, और ये सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड अगर केसीएल है तो ये वोल्टेज देगा 0.242 वोल्ट। अगर हमें इसको सिंबॉलिक में लिखना है तो केसीएल और यहां सेचुरेटेड HG2Cl2 और ये HG लिक्विड, इसको हम ऐसे सिंबॉलिक में लिखते, इस रिएक्शन को हम सिंबॉलिक में लिखेंगे। कैलोमेल इलेक्ट्रोड एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका वोल्टेज जीरो नहीं होता है। वो सॉल्यूशन केसीएल कितना लिया जाता है उसके पर डिपेंड करता है। इससे एक पॉइंट और पहले था कि SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज ज्यादा नहीं करते, क्यों? उसमें कुछ ड्रॉबैक है, उसको हम आसानी से कैरी नहीं करते हैं, उसमें ड्राई हाइड्रोजन हम पास नहीं करा पाते हैं, ठीक है, और उसमें हमें सॉल्ट ब्रिज का भी यूज करना पड़ता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं यूज करना पड़ता। लेकिन ये प्राइमरी इलेक्ट्रोड बोला जाता है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। तो तुम्हें ज्यादा इस बात पर नहीं ध्यान देना है, ज्यादा इस बात पर ध्यान देना है कि ये कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन क्या दिखाता है, क्योंकि जब सेल में देगा तो वोल्टेज वगैरह देगा, जब तुम नॉन स्टिकेशन लगाओगे तो ये लिखना पड़ेगा तुम्हें रिएक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। और ये KCl सैचुरेटेड HgCl Hg2Cl2 होगा ना, और यहां मर्क्यूरी। तो आगे अब जितना पढ़ना सब थ्योरेटिकल है, ठीक है, अब न्यूमेरिकल खत्म हो गया, पहले इसको पढ़ा लेते हैं, फिर लेवल थ्री केवल डिस्कस करेंगे, लेवल वन और लेवल टू नहीं, लेवल थ्री डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस करने के लिए बोल रहा हूं, ये नहीं बोला रहा एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बोला था लेवल थ्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। बाद में कराने का मतलब ये थोड़ा एग्जाम में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉमन टाइप ऑफ सेल और बैटरी स्टार्ट करेंगे। ये सब थ्योरेटिकल है, रटना पड़ेगा सब, तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, आएगा तो बोर्ड में आता है, नीट वगैरह में ज्यादा नहीं आता। कॉमन टाइप ऑफ सेल, कॉमन टाइप ऑफ सेल पहला लिखना प्राइमरी सेल, पहला लिखना प्राइमरी, जल्दी जल्दी लिखो, इसको खत्म करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है। सेल तीन चार सेल पढ़ ले यहां पे, प्राइमरी सेल इसमें लिखना द वोल्टिक सेल डेट कैन नॉट बी रिचार्ज, द वोल्टिक सेल डेट कैन नॉट बी रिचार्ज, द वोल्टिक सेल डेट कैन नॉट बी रिचार्ज इज कॉल्ड प्राइमरी वोल्टिक सेल। द वोल्टिक सेल डेट कैन नॉट बी रिचार्ज आर कॉल्ड प्राइमरी वोल्टिक सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना व्हेन द केमिकल रिएक्शन आर कंज्यूम्ड, व्हेन द केमिकल रिएक्शन आर कंज्यूम्ड EMF of the cell will be zero. When the chemical reaction are consumed, EMF of the cell will be zero. It is not possible. It is not possible to generate. It is not possible to regenerate. It is not possible to regenerate
द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोड by reversing the current flow. Example लिखना है dry cell. सबसे पहले cell जो बनाया गया था dry cell ही बनाया गया था. Dry cell इसको हम बोलते हैं Leclanché cell. Dry cell और ये भी लिख लो Leclanché cell. तो ड्राई सेल इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल. तो जो हम मान लो ये बैटरी हम यूज कर रहे हैं ये ड्राई सेल है, हालांकि कैडमियम वाला होगा, कैडमियम मर्क्यूरी वाला. तो इसमें ये ड्राई सेल जैसा, जिससे हम टॉर्च के बैटरी में या घड़ी के बैटरी में ये सब यूज करते हैं, ड्राई सेल है. ये प्राइमरी एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा हम इसको रिचार्ज नहीं कर सकते. मोबाइल के बैटरी की तरह नहीं है, मोबाइल के बैटरी क्या है, दोबारा हम उसको चार्ज कर लेते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा चार्ज नहीं करते. लेकिन ऐसा भी सेल आ गया जिसको हम चार्ज कर सकते हैं. तो जिसको हम चार्ज नहीं करेंगे वो क्या होगा, प्राइमरी सेल बोलेंगे. एक बार उसका अगर रिएक्शन समाप्त हो गया तो फिर दोबारा उसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते, करंट देके उसको हम रीजनरेट नहीं कर सकते, तो उसको प्राइमरी बोलेंगे. और जिसको दोबारा चार्ज कर देंगे उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी. जैसे मोबाइल का बैटरी, अगर मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया तो दोबारा हम उसको करंट फ्लो करवा के रिचार्ज कर देते हैं, तो हो जाएगा सेकेंडरी. तब नेक्स्ट लिखना सेकेंडरी वोल्टेज सेल. सेकेंडरी वोल्टेज सेल इसमें लिखना द वोल्टेज सेल डेट कैन बी रिचार्ज, द सेकेंडरी सेल डेट कैन बी रिचार्ज, द सेकेंडरी सेल डेट कैन बी रिचार्ज By reversing the direction of current flow, by reversing the direction of current flow, the direction of current flow, and thereby regenerating the original reactant are called secondary voltage cell. These are also called storage cell or accumulator. These are also called storage cell and accumulator. AWCMULTOR. एग्जाम्पल लिखना लीड स्टोरेज बैटरी. सेकेंड लिखना निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी. अब यहां से हमें पढ़ना है ड्राई सेल के बारे में और उसके बाद लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है और H2O2 फ्यूल सेल के बारे में पढ़ना है, मतलब तीन बैटरी के बारे में पढ़ना है. उसका रिएक्शन क्या होता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनोड पे क्या होगा, ठीक है, फिर ये सेल समाप्त हो जाएगा. तो लास्ट में आ जाएगा क्रोमोजन. अब हेडिंग डालो ड्राई सेल. अब ध्यान रखना ये बोर्ड में ड्राई सेल का हर साल स्केचिंग लिखने को आता है,
ड्राई सेल लेक लांचे सेल जिसको बोलते, यहां से न्यूमेरिकल लगे सारा चीज अब थ्योरेटिकल बेस है। तो नेक्स्ट लिखना ड्राई सेल लेक लांचे सेल जिसको बोलते, इसमें लिखना द मोस्ट कॉमन कमर्शियल सेल आर ड्राई सेल, द मोस्ट कॉमन कमर्शियल सेल आर ड्राई सेल डाल के लिखना, द इलेक्ट्रोड इज नॉट ए लिक्विड, द इलेक्ट्रोड इज नॉट ए लिक्विड बट इन द फॉर्म ऑफ एक्वस पेस्ट, द इलेक्ट्रोड इज नॉट लिक्विड बट इन ए एक्वस पेस्ट, hence it is called dry cell, hence it is called dry cell। अब नीचे लिखना construction में पहला पॉइंट लिखना the cell container is, the cell container the cell container is lined from inside with a porous paper to separate it from the other material of the cell। A moist paste of NH4Cl and little of ZnCl2 is filled in the container। The paste is made thick by addition of starch to prevent it from leaking। नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड इज ए ग्रेफाइट, रॉड, ए ब्लैक पेस्ट
ऑफ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन ब्लैक सराउंडेड द कार्बन रॉड एंड कार्बन ब्लैक सराउंडेड द कार्बन रॉड टू प्रिवेंट द ड्राइंग द पेस्ट टू प्रिवेंट the drying of the paste by evaporation of moisture seal is sealed at the top जो टॉर्च का बैटरी है टॉर्च के बैटरी के सबसे आउटर सेल में क्या होता है जिंक का एक क्या होता है कंटेनर टाइप का बनाया जाता है इसको हटाओगे तो जिंक का कंटेनर टाइप का रहता है ना उसमें छोटा सा तो देखो यहां पे द सेल कंटेनर इज लिंक्ड फ्रॉम इनसाइड with a porous paper to separate from it and other material. इसमें हमें पेस्ट लिया जाता है और जेडन सेल टू लिया जाता है क्यों लिया जाता है आगे बात करेंगे हम जीन का जो सिलेंडर है वो कैथोड की तरह काम करेगा और एनोड बीच में होता है ग्रेफाइट का रॉड टॉर्च के बैटरी में देखोगे बीच में रॉड होता है ग्रेफाइट का और उसके चारों तरफ क्या होता है पेस्ट होता है किसका MnO2 का और कार्बन ब्लैक का ठीक है पहले इसको लिख लो फिर डायग्राम निकालते हैं फिर समझाते हैं क्यों क्यों लिया गया क्योंकि रिएक्शन आगे करेंगे अब इसका डायग्राम निकाल लो पहले डायग्राम निकाल लो इसका ये सेल का सबसे जिंक वाला पार्ट है जिससे जिंक कंटेनर ये एनोड का काम करता है यहां पर पेपर लगाया जाता है पोरस पेपर यहां पर बीच में एक रॉड लिया जाता है ग्रेफाइट का और रॉड के चारों तरफ पेस्ट लगाया जाता है पेस्ट से भरा जाता है इसको रॉड के चारों तरफ पेस्ट इसमें रखा जाता है
ये पेस्ट होता है, एक लेयर में यहां एक पेस्ट होगा, जो ये होता है पेस्ट ऑफ MnO2, और इधर जो पेस्ट होता है वो होता है पेस्ट ऑफ NH4Cl प्लस ZnCl2, और इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा, और ये जो कंटेनर है जो एनोड की तरह काम करेगा उस पे नेगेटिव होगा। ये जिंक का कंटेनर होता है, ये ग्रेफाइट का रॉड है, ये एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा, यहां पर पेस्ट लिया जाता है MnO2 का, और यहां पर पेस्ट लिया जाता है NH4Cl का और ZnCl2 का। अब हम लिखते हैं इसका रिएक्शन, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन एट एनोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, व्हेन द सेल इज वर्किंग, व्हेन द सेल इज वर्किंग, जिंक लूज इलेक्ट्रॉन एंड Zn+2 आयंस डिजोल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट। यानी Zn से बन जाएगा Zn+2 और दो इलेक्ट्रॉन से लूज कर देगा। जैसे ये सेल वर्किंग में होगा, यहां से और यहां पर वायर लगाएंगे, तो वायर लगाने के बाद ये एनोड की तरह काम करेगा, जिंक का जो रॉड होगा, सॉरी जिंक का जो कंटेनर होगा ये वाला, वो एनोड का काम करेगा और वहां से दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा। है जो टॉर्च में बैटरी लगाते हो उसके लिए क्या करते हो, स्पॉन्टेनियस नहीं होता है वो, घड़ी में बैटरी लगाते घड़ी चलने लगता है, रिएक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। देखो इस पे भी प्लस और माइनस होगा, इधर देखो प्लस है इधर माइनस है, तो एनोड पे जो चार्ज होगा इस पे, ये कैथोड के एनोड के जो ट्रीट करेगा, तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, जहां नेगेटिव है सोच लो एनोड है, यानी वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इधर ऑक्सीडेशन होगा और इधर रिडक्शन होगा। लिख लिए है, ये सब पढ़ाने का मन नहीं करता। नेक्स्ट लिखना रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, द इलेक्ट्रॉन
पास अराउंड द एक्सटर्नल सर्किट एंड आर टेकन अप एट द कैथोड, यानी जो जिंक के कंटेनर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वायर के थ्रू, मान लो हमने वायर लगा दिया, ये वायर के थ्रू बाहर निकलेगा, जाएगा अब ग्रेफाइट रॉड के पास. दिस कॉज, अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है ग्रेफाइट, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. दिस कॉज डिस्चार्ज ऑफ NH4 प्लस आयंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोड. अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू पहुंचेगा यहां पे. अब ये है ये है ग्रेफाइट का रॉड. अब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, गेन कौन करेगा, तो यहां गेन करेगा 2NH4+, ये अमोनियम क्लोराइड, और ये हो जाएगा प्लस टू इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा अमोनिया, और हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा NH4+, आयंस के फॉर्म में होगा, सॉल्ट है, ये सॉल्ट जो है NH4+ आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और अमोनिया बन जाएगा. इस दौरान हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. अब इसी को, जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, इसी को हटाने के लिए अब MnO2 यूज करते हैं. होता क्या है, बार बार कंटिन्यूअस अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ तो सेल का वोल्टेज तुरंत खत्म हो जाता, तो इसको हटाने के लिए हम MnO2 यूज करते हैं ताकि ये सेल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस ना हो. तो आगे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट इसमें, एट कैथोड MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, MnO2 ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन गैस H2+2MnO2 फॉर्म Mn2O3+H2O. ये H2O लिक्विड वेपर के फॉर्म में बनता है, इसका तो यूज ड्राई सेल में मॉइस्चर के तौर पर हो जाता है. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकला, यहां पर गया, ये जो NH4 है ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, यानी सेल के अंदर अमोनियम आयन जो है इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अमोनिया में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है. तो सेल के अंदर जो कैथोड पर रिएक्शन होता है यही वाला होता है, उसके अंदर पेस्ट के तौर पे अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अमोनिया और हाइड्रोजन बन जाता है. लेकिन कंटिन्यू अगर हाइड्रोजन बना तो सेल का वोल्टेज कम कर देता है, इसको हटाने के लिए हम MnO2 यूज करते हैं. MnO2 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, MnO2 H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, Mn2O3 और वाटर बन जाता है. वाटर बोले तो वेपराइज फॉर्म में, यानी कि पूरा वाटर नहीं बन जाएगा, ठीक है, तो ये वेपराइज फॉर्म में होता है. तो बाद में तुम देखते हो कि जो सेल होता है यूज करने के बाद उसको अगर फोड़ के देखोगे तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप का भी होता है, जो सेल टॉर्च के बैटरी में यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद तुम देखना उसमें मॉइस्चर टाइप का, जो उसमें ये सब पेस्ट वगैरह यूज किए वो मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वहां से हाइड्रोजन H2O वेपराइज होता है, क्योंकि जो H2 बनता है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है. तो एट कैथोड MnO2 ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, तो ये इस रिएक्शन को पार्ट नहीं है, मतलब कैथोड एनोड पे रिएक्शन हुआ है, कैथोड पे रिएक्शन हुआ,
लेकिन इसका पर्पस अलग है, ये हाइड्रोजन को हटाने के लिए यूज किया गया, नहीं कि ये से, मतलब सेल को करंट प्रोवाइड करने में यूज हो रहा है, नहीं, करंट प्रोवाइड करने में यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को कहां गेन किया, इसका तो यूज उसने ऑक्सीडाइज करने में किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दिस प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ H2 गैस, दिस प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ H2 गैस, दिस प्रिवेंट द कलेक्शन ऑफ H2 गैस ऑन द कैथोड, ऑन द कैथोड। नेट रिएक्शन एट कैथोड, नेट रिएक्शन एट कैथोड, अगर बोले जाएगा कि नेट रिएक्शन लिखो कैथोड पे केवल, दोनों को मिला देंगे, लेकिन हालांकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर रहा है, ये इसको दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो अमोनियम आयंस प्लस क्या होगा यहां पे, MnO2, 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया एक्वस के फॉर्म में होगा और वाटर। ये कैथोड पे नेट रिएक्शन तुम्हें आएगा तो लिखना पड़ेगा, बोर्ड ओवर में अगर आएगा तो ये, क्योंकि ये ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है, नीट ओवर में पूछेगा तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। तो लिकलांचे सेल ड्राई सेल, कैथोड पे रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, एनोड वाला जिंक से जिंक प्लस 2 बना और वो इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू बाहर निकल के गया यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, अमोनिया बन गया, हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन हटाने के लिए MnO2 यूज किया जाता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करके वेपराइज बना देता है इसको। अब नेक्स्ट लिखना नेट सेल रिएक्शन, कोई डाउट नहीं है इसमें, जेडन टेस्ट ऑफ जेडन सेल 2 उसका यूज लिखो, आगे लिखवाते हैं। नेक्स्ट लिखना नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, पहले नेट सेल रिएक्शन लिख लो, यानी कैथोड और एनोड को ऐड कर दो, नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन लिख लोगे ना, लिखो, दोनों को ऐड कर दो, Zn प्लस 2 और ये वाला ऐड कर दो पूरा, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो, मैं फाइनल लिख दे रहा हूं क्या हो रहा है, Zn प्लस इधर NH4 अमोनियम प्लस 2 MnO2, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा, इधर बनेगा Zn प्लस 2 प्लस Mn2O3 प्लस 2 अमोनिया प्लस वाटर। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है, यही रिएक्शन ओवरऑल हुआ ड्राई सेल के अंदर। आगे लिखना अब पूछेगा कि ड्राई सेल में मैग्नीज का किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है। एक क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि ड्राई सेल में मैग्नीज जो है किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, फोर से तो रिड्यूस हो रहा है, तो H2 को क्या कर रहा है, ये तो MnO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 है और राइट हैंड साइड ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, ये खुद रिड्यूस हुआ है। एक चीज छूट गया क्या,
हाइड्रोजन गैस को कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस इधर बना था वो इधर जो बना था उसको ये H2O में कन्वर्ट किया है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये MnO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि H2 को किससे बदल रहा है, H2O वेपराइज लिक्विड फॉर्म। तो MnO2 इन ए ड्राई सेल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, H2 को, किसमें कन्वर्ट करेगा, H2O में। जीरो से कहां चला गया वो, प्लस टू में गया ना हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन किस स्टेट में था, जीरो, राइट हैंड साइड प्लस टू में चला गया। आगे लिखना, इसमें लिखना, इन द कैथोड रिएक्शन मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज रिड्यूस फ्रॉम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट लिखना, अमोनिया फॉर्म इज नॉट लिबरेटेड, अमोनिया फॉर्म इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस, अमोनिया फॉर्म इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस। जो यहां अमोनिया बनेगा एक्वस में जाके एक्वस फॉर्म में रहेगा, वहां रिएक्शन में भी लिख लेना कि अमोनिया गैस नहीं बन रहा है, कौन सा बन रहा है। अगर बोलेगा कि क्वेश्चन में कि ड्राई सेल के रिएक्शन के दौरान कौन सा गैस इवॉल्व होता है, क्या बोलोगे, अमोनिया, केवल क्या बोलोगे, हाइड्रोजन। अमोनिया एक्वस फॉर्म में होता है, वो गैस फॉर्म में इवॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन छोटे छोटे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देगा हाइड्रोजन और अमोनिया बोथ, नहीं केवल हाइड्रोजन, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन का फॉर्म होता है ना, भले उसको हटा दिया जाए, MnO2 वो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन प्रोड्यूस कौन हुआ, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है ना, भले उसको कन्वर्ट करने के लिए MnO2 रखा गया है, तो ये नहीं पूछ रहा है रिएक्शन के दौरान कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा, तो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, उसको कंज्यूम करने के लिए MnO2 यूज किया गया है, बट रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। अमोनिया मत बोला, अमोनिया ही प्रोड्यूस हो रहा, अमोनिया एक्वस फॉर्म में है। अमोनिया फॉर्म इज नॉट लिबरेटेड एज ए गैस बट इट कंबाइंड विथ सम ऑफ Zn+2 आयंस, बट इट कंबाइंड विथ सम ऑफ Zn+2 आयंस एंड क्लोरीन आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एनोड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला Zn NH3 whole twice Cl2। यहां लिख लेना Zn+2 जो कि एक्वस फॉर्म में है, प्लस फोर अमोनिया जो कि एक्वस फॉर्म में है,
ये दोनों रिएक्शन करके ZN NH4 होल ट्वाइस और यहां बन जाएगा +2 क्योंकि इस पर चार्ज है +2। तो यहां पर जो अमोनिया एक्वस फॉर्म में बना वो अमोनिया और ये ZN से जो ZN +2 में जा रहा था, यहां पहले से भी ZN +2 था, तो ZN का यूज इसीलिए किया जाता है कि कहीं अगर अमोनिया एक्वस फॉर्म में बना तो ये कॉम्प्लेक्स बनने से क्या होगा, वो जल्दी से अब मॉइस्चर अगर हो जाएगा जो सेल हमने रिएक्शन लिया है और जल्दी से मॉइस्चर हो जाएगा, तो मॉइस्चर होगा तो काम करना बंद कर देगा वो। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि ZN +2 यानी इसको अगर यहां से तो प्रोवाइड हो रहा है क्योंकि यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है ZN से ZN +2, तो केवल मान लो इसकी सफिशियंट अमाउंट नहीं है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए पहले से ZN Cl2 ले लिया जाता है। यहां से जो बनता है वो बनता ही है ताकि ये अमाउंट कम ना हो जाए, इसलिए पहले से ZN Cl2 ले लिया जाता है। और ये ZN +2 जो यहाँ अमोनिया मॉइस्चर के फॉर्म में बना, एक्वस के फॉर्म में बना, ये दोनों रिएक्शन करके ZN NH2 होल ट्वाइस बनाता है, ठीक है, और यहाँ +2 चार्ज है। अब ये फिर जाके क्लोरीन से रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना देगा ZN NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये आयंस तैयार करता है। आफ्टर दैट रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म ZN NH3 होल ट्वाइस Cl2। तो पूछा जाए क्वेश्चन में कि ड्राई सेल में कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा बनता है, जिंक अमोनिया क्लोरीन का ZN अमोनिया होल ट्वाइस Cl2। जिंक क्यों लिया गया है, अमोनिया को कंज्यूम करने के लिए, सीधा सीधा बात, अमोनिया एक्वस फॉर्म में मॉइस्चर ना, अमोनिया क्यों कंज्यूम करना जरूरी है क्योंकि वो मॉइस्चर एक्वस के फॉर्म में आ रहा है ना कंटिन्यू, अगर सेल काम करेगा कंटिन्यू एक्वस के फॉर्म में हो जाएगा तो फिर काम करना बंद कर देगा। अगर उसके अंदर एक्वस मान लो मॉइस्चर हो गया, एक्वस फॉर्म में आ गया, सेल काम करना ही बंद कर देगा फिर, तो उसको इस मॉइस्चर को हटाने के लिए जिंक यूज किया जाता है। तो जिंक तो यहां से भी मिल रहा है, दो सोर्स से जिंक मिलेगा, एक सोर्स ये है और एक पहले से लिया जाता है, ये सोर्स कब ना पड़ जाए इसीलिए पहले से ऑलरेडी लिया जाता है। ये ZN और ये अमोनिया रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और इससे मॉइस्चर से बचा रहता है, ठीक है। तो H2 को हटाने के लिए क्या लिया गया है, MnO2, और जो अमोनिया एक्वस के फॉर्म में बना उसको हटाने के लिए क्या लिया गया है, ZN Cl2। आगे लिखना, ड्राई सेल गिव द वोल्टेज, ड्राई सेल गिव द वोल्टेज, अब देखो इसमें लिखा है 1. लिख लो 1.2 वोल्ट टू 1.5। अगर ऐसे न्यूमेरिकल में आया तो 1.1 लेने, लेवल 3 में क्वेश्चन है और जेई में आ चुका है क्वेश्चन, वहां पर सेल का वोल्टेज तुम्हें लेना है 1.1, ठीक है। एक लेवल 3 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें वो केवल नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है, जेई के सारा ए लेवल 3 डिस्कस करेंगे पढ़ाने के बाद।
इसमें इधर उधर छपा हुआ है, इसमें जेई का आया हुआ क्वेश्चन था। इधर लिखा हुआ है, पेज नंबर 131 पर क्वेश्चन नंबर 59। हालांकि ये डैनियल सेल है, तो यहां पर जीन का जेडन प्लस टू का कॉपर का कंसंट्रेशन दे रखा है, तो यहां पर जो हमें स्टैंडर्ड कंडीशन में जो डैनियल सेल का वोल्टेज लेना है 1.1 लेना है, वो लिखा नहीं है। अब ये कैसे आएगा 1.1? तो कॉपर का वोल्टेज और जीन का वोल्टेज इसके लिए हमें याद होना चाहिए, यानी एसआरपी वैल्यू जेडन का और एसआरपी वैल्यू कॉपर का हमें याद होना चाहिए, तो हम वहां से सेल का वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो लेकिन लिखा नहीं है तो डायरेक्ट हम 1.1 लेंगे, ठीक है। अच्छा, लेवल थ्री में एक क्वेश्चन बना हुआ वाला, लेवल थ्री में अब ये क्वेश्चन दिखा, 137 पेज निकालो, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो, तो क्वेश्चन नंबर 50 1.34 इलेक्ट्रोड मास NH4 से ये स्टार्च कौन कौन सही है, है? कहाँ पे अमोनिया गैस लिखा है, उतना चलेगा, वो गलती से लिख दिया। कौन सा डायसिल 1.1 एक्सटर्नल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये जो सेल है, ये सेल का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, अब उसका वोल्टेज इतना है। अब ऐसा सोचो तुम्हें कि मान लो तुम मोबाइल को चार्ज में लगाते हो और जब लाइट कट जाती है तो क्या होता है, चार्जिंग बंद हो जाता है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं ना कि मोबाइल से अब उसमें करेंट जाने लग गया है, रिवर्स जाने लगता है, क्योंकि इसका मोबाइल का वोल्टेज क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, और उसका वोल्टेज तो हाई से लो की तरफ फ्लो करने लगता है। जब हम चार्ज लगाते हैं तो उधर हाई रहता है और मोबाइल में लो रहता है, तो उधर से इधर फ्लो करता है, लेकिन जब लाइट कट जाती है तो इधर से उधर फ्लो होने लगता है। अब यहाँ पर डैनियल सेल का जो वोल्टेज है 1.1 है, अब एक्सटर्नल जो सोर्स है उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, अब इधर से उधर जाने के लिए इससे कम होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए ना, इधर से उधर जाना है, बैटरी से जाना है सोर्स की तरफ, तो उसका वोल्टेज क्या होना, कम होना। कम होने के लिए क्या है, अब इसमें दो ऑप्शन दे दिया गलती से, लेकिन एक ही होगा। जिंक कॉपर पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिंक पे क्या हो रहा है, सेल को उल्टा कर दिया है। तो देखते हैं एक बार इसको, कल पूछा इसका आंसर क्या, 1 दिया है ना, कल बता। इसका ऑप्शन क्या होगा 50 का, वो यहां पर
NH4 गैस लिखा है अमोनिया, NH3 गैस लिखा है, अमोनिया एक्वस है, वो गलती से लिखा है, लेकिन स्टेटमेंट गलत नहीं है, सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट देखो, इलेक्ट्रोलाइट इज ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4 और ZnCl2 इज ए स्टार्च, सही है ना। और कैथोडिक रिएक्शन ये है, यही है ना कैथोडिक रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन ये है, MnO2 है, NH4 है और दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किया, अमोनिया में बना, वाटर बना, Mn2O3 बना, फोर ऑप्शन, 1, 3, 4। कल उसको चेक करके बताते, लिख लो। ड्राई सेल इज यूज्ड इन टॉर्च, ड्राई सेल इज यूज्ड इन टॉर्च, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, ड्राई सेल इज यूज्ड इन टॉर्च, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, फ्लैश लाइट, कैलकुलेटर, टेप रिकॉर्डर एंड मेनी अदर डिवाइस, एंड मेनी अदर डिवाइस। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, लीड स्टोरेज सेल, लीड स्टोरेज सेल। अब इसको लिख लो, कल समझाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको जल्दी से खत्म करना है। लीड स्टोरेज सेल, लेवल 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो तुम्हारा एग्जाम है वो है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का, ठीक है। तो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का ऐसा करेंगे, रिवाइज करवा के और तुम्हें वॉल्यूम से और अवस्थी से क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत शॉर्टकट में रिवाइज करवा देंगे, पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में रिवाइज करवा के और वॉल्यूम से, और क्योंकि टीचिंग हो चुका है, क्योंकि अब तिगरे से जो सिलेबस बन के आया है उसमें सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव है। नेक्स्ट टाइम स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब यहाँ ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था तो आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा था, तो आयनिक इक्विलिब्रियम को स्टॉप करके और इजी टॉपिक लाया गया था, ताकि आयनिक इक्विलिब्रियम ऑनलाइन समझ में नहीं आए, फिर बाद में समझ में नहीं आता है, मतलब नहीं आए थे, नहीं आता, इसलिए उसको हटा के सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव लाया गया था। तो उस समय अब तिगरे में सोल्यूशन एंड कोलिगेटिव नहीं चल रहा था, और तिगरे में अब चल रहा है, तो उस समय तुम पढ़ लिए थे, और उसी बीच में यहाँ आयनिक भी हो गया, अब बाद में रिवीजन होगा उसका। इसके बाद है ये सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री थियोरेटिकल टॉपिक है, लेकिन नीट में क्वेश्चन आता है उससे। केमिकल काइनेटिक्स आसान, एक बार रिवाइज कर लो हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ नहीं है, तुम्हें रियली एक बार दोबारा पढ़ोगे ना तो वो आ जाएगा, उससे हार्ड टॉपिक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। कोई भी अपने सीनियर से पूछना ये नहीं बोलता है कि वो केमिकल काइनेटिक्स हार्ड है, तो वही काम करेंगे, तुम्हें शॉर्ट रिवाइज करवाएंगे और उसका क्वेश्चंस बनवाएंगे और भी इसका लेवल 3 करवाएंगे। तो लिखो इसमें लीड स्टोरेज बैटरी में लिखना, लीड स्टोरेज सेल इज ए सेकेंडरी वोल्टिक सेल, लीड स्टोरेज सेल इज ए सेकेंडरी वोल्टिक सेल, लीड स्टोरेज सेल इज ए सेकेंडरी वोल्टिक सेल। ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग द रिचार्जिंग प्रोसेस ओरिजिनल रिएक्टेंट आर रीजनरेटेड,
ओरिजिनल रिएक्टेंट आर रीजनरेटेड, हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर, हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज स्टोर। थर्ड पॉइंट लिखना, इट कैन फंक्शन एज आइदर, इट कैन फंक्शन एज आइदर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ए गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड ए गैल्वेनिक सेल। यानी जब हम बैटरी को यूज कर रहे होंगे तो गैल्वेनिक सेल की जैसा ट्रीट हो रहा होगा, और जब हम रिचार्ज कर रहे होंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज हो रहा होगा, क्योंकि हम उसमें करंट दे रहे हैं और रिएक्शन को हम रीस्टोर कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखना कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट लिखना, एनोड इज ए ग्रुप ऑफ लीड प्लेट हैविंग निगेटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कैथोड इज ए ग्रुप ऑफ लीड प्लेट कोटिंग विथ लीड डाइऑक्साइड यानी PbO2, लीड डाइऑक्साइड, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेवरल प्लेट ऑफ एनोड एंड कैथोड आर प्लेस्ड दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन। ये कौन सा बैटरी के बारे में पढ़ रहे हैं? जो घर में इन्वर्टर में लगाते हैं, उसमें क्या होता है, प्लेट होता ही नहीं होता है, उसके अंदर प्लेट होते हैं और प्लेट पे कैथोड एनोड होता है, अल्टरनेट लगाया जाता है, एक कैथोड एक एनोड, फिर उसको जोड़ा जाता है और उसके अंदर एसीडी यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, The electrolyte is an aqueous solution of H2SO4, small bracket में लिखना, 38% by mass. Electrolyte is an aqueous solution of H2SO4, 38% by mass. Small bracket close कर दो. Having density 1.2 gram per ml. The electrode are dipped in the electrolyte.
तो इसमें प्लेट लिया जाता है जो कैथोड होता है, उस कैथोड पे लीड ऑक्साइड का कोटिंग किया जाता है और एनोड वाला एसिड आता है उसको अल्टरनेट रखा जाता है ऐसे। इसका डायग्राम कल निकालेंगे हम, ये अल्टरनेट करके प्लेट है जो हम ये बैटरी वगैरह में यूज करते हैं इन्वर्टर में, वही वाला है। इसके अंदर H2SO4 लिया जाता है 38% बाई मास। अब ये प्लेट क्यों लिया जाता है, तो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। अब यहां से रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे कि रिएक्शन क्या होगा और फिर जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा उसको चार्ज करने के लिए क्या रिएक्शन होगा। तो एक बार चार्जिंग वाला लिखो, एक बार जो हम आउटपुट में करंट ले रहे हैं यानी जब हम गैल्वेनिक सेल के तौर पे यूज कर रहे हैं तब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, और एक बार वोल्टिक सेल के तौर पे यूज कर रहे होंगे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे यूज कर रहे होंगे तब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। मतलब जब हम रिचार्ज कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज और ड्यूरिंग रिचार्ज दोनों हम रिएक्शन लिखेंगे। तो कल ये लिखवाते हैं, ठीक है। जब जो डाउट है बोलो, देखा ना क्वेश्चन। अगर मान लो सेल का वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, सेल को रिचार्ज होने के लिए EMF और रिटेंशन इतना, एक्सटर्नल EMF इज अप्लाइड फॉर द रिएक्शन। नवनीत लेके आए हो क्या, ले लो घर लेके जाओ, अरे ले लो तुम्हारा काम का है, बोर्ड का है। आप जो तुम प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिखोगे ना, नहीं जो तुम नॉस्ट इक्वेशन लिखोगे और प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिखोगे उसमें दो आयंस का मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो दो आयंस का मल्टीप्लिकेशन, और तुम जब KSP लिखोगे तो वही दो आयंस का मल्टीप्लिकेशन तुम्हें मिलेगा। तो कुल मिला को ये बोलता है कि दोनों आयंस का मल्टीप्लिकेशन बताओ, नहीं समझ में क्या बोला। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट लिखोगे तो प्रोडक्ट में क्या रिएक्टेंट में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, ऐसा रिएक्शन को फॉर्मेट बनाया जाता है। तो ऊपर प्रोडक्ट इनटू प्रोडक्ट दो का प्रोडक्ट आएगा, और रिएक्टेंट में मान लो दोनों क्या है सॉलिड है उसको या गैसियस फॉर्म में 180 में ऊपर दो आयंस का मल्टीप्लिकेशन आता है वो। अब जब तुम KSP लिखोगे तो वही दो आयंस का तुमसे पूछेगा, तो वो नहीं पूछ को उल्टा पूछ, मतलब दूसरे में पूछ रहा है कि KSP बताओ। तो दोनों ऐसा क्वेश्चन है ना लेवल 3 में, पूरा क्वेश्चन लेवल 3 का ही आया क्या। NCERT कौन सा ब्लॉक आया था, 18 आया था, हाँ? आउट ऑफ वो इनऑर्गेनिक आउट ऑफ आता ही नहीं, GRB में नहीं है इसमें, इसमें देखे क्या के कुमार में देखे क्या, इनऑर्गेनिक NCERT बाहर कभी नहीं आया। कैथोड पे नहीं, एनोड पे नहीं, यहाँ चार्ज हम ये टर्मिनल के अकॉर्डिंग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग।